फ्रेंड्स, गणगौर के उद्यापन के लिए क्या करें, गणगौर कैसे बनाएं, गणगौर की सारी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, हमने पांचों गणगौर मिट्टी से घर पर तैयार की हैं। इसी तरह से आप मिट्टी से तैयार कर लें, वस्त्र पहना लें, जितना भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं कर लीजिए। ये देखिए, मैंने पाँचों गणगौर घर पर ही बनाई हैं। ईसर जी, गोरा जी, मालन, कालिया राम, ये सब गणगौर, पाँचों गणगौर आप घर पर बना सकते हैं। चाहे तो आप गण और गौर, मतलब शिव जी और पार्वती जी बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे गणगौर की उद्यापन विधि शेयर करने वाली हूं मित्रों। तो आप भी गणगौर की सारी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये देखिए, हमारी पांचों गणगौर कितनी सुंदर लग रही हैं। जिस दिन भी आपको उद्यापन करना है, सबसे पहले एक प्लेट में संकल्प के लिए ले लीजिए, आप थोड़े से फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, सिंदूर और जल का लोटा। क्योंकि पहले भी शुरू में ही आप उद्यापन से पहले सुबह ही संकल्प ले लें, फिर उसके बाद काम में बिजी हो जाते हैं, तो संकल्प लेना हमारे लिए इजी होता है, तो संकल्प पहले ही ले लें। संकल्प लेने के लिए जल के लोटे में से पहले थोड़ा सा सिंदूर, अक्षत और चावल हाथ में ले लीजिए और जल के लोटे को रखकर साथ में आपने संकल्प लेना है। कहना है, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, दोता दोती की नानी, पोता पोती की दादी, आज संकल्प लेती हूँ मैं अपनी गणगौर का उद्यापन करूँ। भगवान की कृपा से मेरे गणगौर का उद्यापन सफल करना। हे गोरा माँ, हे गण, आप मेरे उद्यापन को सफल करना। इस तरह से आपको उद्यापन का संकल्प लेना है और थोड़ा सा जल लेकर इस चावलों को प्लेट में छोड़ देना है और हाथ जोड़ने हैं आपने उद्यापन की सफलता के लिए। अब जो भी आपने सामान देना है, 16 की संख्या में ही देना है। 16 सुहाग पिटारी, 16 सुहागन स्त्रियों को आप एक दो दिन पहले ही घर पर न्योता दे दीजिए आने के लिए। अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनके घर भी उद्यापन का सारा सामान पहुँचा सकते हैं। उद्यापन के लिए जो कल्पना में कुछ सामान हम रख सकते हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मित्रों, एक बास्केट ले लीजिए। बास्केट को भी 16 चीज़ों में ही गिना जाता है। उसके बाद आपको लेनी है मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और काजल। ये चार चीज़ें तो आपको जरूर ही रखनी है, क्योंकि गणगौर की पूजा भी हम इन चारों से ही करते हैं। तो मेहंदी के एक एक कीप, सिंदूर, काजल और बिंदी, चार चीज़ें, और पांचवी हमारी टोकरी हो जाती है। छठा हमने ले लिया है नेल पेंट, इसमें ये लिया है मैंने फाउंडेशन की स्टिक, एक ले लिए है मैंने लिपस्टिक और एक ले ली है मैंने ये हेयर पिन। इस तरह से एक बास्केट में आपको लगा कर दिखा रही हूँ 16 चीज़ों की। आप यही 16 चीज़ें अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद लाख का चूड़ा ले लीजिए। ये दो दो का सेट आता है, चार चार का सेट आता है। इस तरह का लाख का चूड़ा आप जरूर लें। लाख के चूड़े देना तो बहुत ही शुभ होता है। उसके साथ ही कांच का कोई सामान, कांच का एक शीशा ले लीजिए। कंघा और तेल, ये भी बहुत ज़रूरी है देना इस तरह से। उसके बाद मैंने ये दो चीज़ें ली हैं, एलोवेरा और पाउडर। आप क्रीम भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो ले लीजिए। इस तरह से 16 सामान, और 16वां मैंने लिया है रुमाल। आप एक एक ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा क्षमता है तो आप इसके साथ ही ब्लाउज पीस, साड़ी, सूट, जो भी लेना चाहें। तो ये 16 टोकरियां आपको बनानी है 16 चीज़ों की गणगौर के उद्यापन के लिए, 16 सुहागन स्त्रियों के लिए। 16 ये चीज़ों की 16 टोकरियां बना लेंगे। साथ में फल, गुन्ने, जो भी आपके यहाँ बनते हैं, खाने पीने का सामान, यदि आप भोजन करा रहे हैं तो भोजन करा दीजिए। खाने पीने के लिए गुन्ने, फल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से गुन्ने रखे हैं, आप ज़्यादा जितने भी देना चाहें उतने दे सकते हैं। तो ये आपको 16 जगह सामान लेना है। अब एक आपने गोरा जी और ईसर जी के लिए लेना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 16 बास्केटें इसी तरह से आप बना लीजिए। एक हमें ईसर जी और गोरा जी के लिए जरूर लेना है, ये आप अपनी सासू माँ को दे दीजिए। ये देखिए, एक साड़ी ले लीजिए, लाल रंग की लें तो बहुत ही शुभ है। साथ में ईसर जी के लिए एक जोड़ा ले लीजिए। ये देखिए, मैंने ईसर जी के लिए जोड़ा ले लिया है। इनके ऊपर दक्षिणा तो आपको अवश्य ही रखनी है, और 16 सुहागन स्त्रियों से अलग रखना है। ये 17वां कहलाएगा, जो हम ईसर जी और गोरा जी के लिए ले रहे हैं। उसमें भी आप इसी तरह से
16 चीज़ें श्रृंगार की रख दीजिए सासू माँ की साड़ी पर, सासू माँ को दे दीजिए, जेठानी को दे दीजिए, अपनी ननद को दे दीजिए। ससुराल पक्ष में ये बायना दिया जाता है, पीहर पक्ष में ये बायना नहीं दिया जाता। इस तरह से हमने ये गोरा माता की और ये ईसर जी की पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जो भी आप लेना चाहते हैं, आपके ससुर जी जो पहनते हैं उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये हमने साड़ी और जोड़ा ले लिया है। उसके बाद एक साखियाँ के भी कपड़े जरूर देने चाहिए। साखियाँ के नाम का आप एक टॉवल भी दे सकते हैं या कुर्ता पजामा दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने साखियाँ जो कि आपका देवर होता है, छोटा भांजा होता है, ननद का लड़का, किसी को भी आप साखियाँ बना लीजिए, उसके लिए भी आप एक जोड़ा और दक्षिणा अवश्य ही दें, जो हमारे उद्यापन की हामी भरेगा, जो हमारे उद्यापन का साक्षी होता है, जिसे माना जाता है। ये उद्यापन का सामान आपको मिनस कर देना है। एक लोटे में जल ले लीजिए और अपनी चुन्नी के पल्ले में, चुन्नी के पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर ये सारा सामान आपको मिनस देना है। इस तरह से गणगौर का उद्यापन किया जाता है और गणगौर के उद्यापन को सफल किया जाता है। ये उद्यापन आप शादी के पहले वर्ष कर सकते हैं, 16वें वर्ष कर सकते हैं। जब भी आप करें तो इस तरह से करें कि इसका फल आपको पूरा मिलता है। तो इस तरह से ये गणगौर का उद्यापन आपको एक बार अवश्य ही करना होता है। ज़्यादातर लड़कियां पहले वर्ष में ही कर लेती हैं या फिर शादी के 16वें वर्ष में इस उद्यापन को किया जाता है। मित्रों, आपको भी गणगौर जी के उद्यापन की यह जानकारी विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय गणगौर माता अवश्य लिखें और उद्यापन आपका भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होगा। कहते हैं इसको उद्यापन को तो एक बार जीवन में करने से आपको अमर सुहाग और अमर पीहर मिलता है। गणगौर की सभी कहानियाँ भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पूजा विधि, सिंधारे की जानकारी, सभी तरह की वीडियो गणगौर की चैनल पर आ चुकी हैं। मित्रों, यदि आपको भी गणगौर के उद्यापन की है जानकारी अच्छी लगी है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय गणगौर माता अवश्य लिखें।